उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवर्षीय निर्वाचन बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के लिए आज बदायूं जिले में भी वोटिंग जारी है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दातागंज क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बप्पू भैया ने बूथ संख्या 92 पर पहुंचकर अपना मत डाला। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों को विजय मिलेगी। बता दें, जिले में MLC स्नातक चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 28 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जिन पर सुबह से मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में 14,748 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ आवश्यक पुलिस बल तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जयपाल व्यवस्था और समाजवादी पार्टी ने शिव प्रताप सिंह यादव को मैदान में उतारा है। बदायूं से आदित्य गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें अभी लगभग 11:30 बजे तक 171 मतदान हो चुका है, लगभग 25-24%। और ये एक स्नातक निर्वाचन का है, तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी शांतिपूर्वक से, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयपाल सिंह व्यस्त के पक्ष में मुझे लगता है अधिकांशतः मतदान हुआ। मतदान की स्थिति अच्छी है और वोटर प्रतिशत भी इस ब्लॉक परिसर दातागंज में अच्छा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस निर्वाचन क्षेत्र में विजय होने वाली है। और सबने यहाँ के जो निवर्तमान प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह बहुत ही कर्मठ और जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति, कई बार से विधान परिषद सदस्य इसी क्षेत्र से हैं। यहाँ दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर जाति धर्म की दीवारें तोड़कर सारे लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को अपना मत दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 90% 95% से अधिक व्यक्ति सभी मतदाता बंधुओं का हमको अपेक्षित सहयोग मिल रहा है।